नमस्ते दर्शक मित्रों, हूँ श्रुति मोजिद्रा, स्पीड न्यूज 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का धज्जे उड़ाते हुए बीजेपी के विधायक राजधानी दिल्ली करोल बाग, जो दिल्ली की शान मानी जाती है, एक क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ रहती है. एक साहब कार में बैठे हुए बीच रोड पर कार खड़ा करके बड़े सुकून के साथ मोबाइल फोन पर बातें कर रहे थे. तभी करोल बाग जोन में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल राजकुमार की नजर उन साहब पर गई. ट्रैफिक पुलिस का बस इतना ही गलती है कि उन साहब से बोला, गाड़ी साइड करके बात कीजिए. बस इतना बोलना था कि कार वाले साहब कुछ नहीं बोले, पर उस कार में बैठे करोल बाग क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया साहब हेड कांस्टेबल राजकुमार पर भड़क गए. इतना ही नहीं, उस ट्रैफिक पुलिस को माँ बहन तक कर दी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी, जो वीडियो फुटेज में आप भी देख सकते हैं. अब यहाँ पर सवाल उठाया जाता है कि विधायक को समाज का रक्षा करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए. चंदोलिया साहब विधायक होते हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. जनता का रक्षा करने वाले पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगा. योगेंद्र चंदोलिया शायद अपना कुर्सी का पावर दिखा रहे हैं, वह भी एक ट्रैफिक पुलिस राजकुमार पर. इतना ही नहीं, आईटी को भी धमकी दे डाले. हाँ, इतना जरूर है कि चंदोलिया बीजेपी के विधायक है, कोई कितना बड़ा पापी है, लेकिन बीजेपी के दामन थामने वालों को सब पाप गंगा में धुल जाते हैं और वह पवित्र माना जाता है. या फिर भी अभी हो सकता है कि चंदोलिया गोवा के पूर्व डीजी मुक्तेश चंद्र आईपीएस का रिश्तेदार है. अब देखना है बीजेपी के आला कमान योगेंद्र चंदोलिया पर कानूनी कार्यवाही करती है या फिर उनका मनोबल और भी बढ़ाएगी, ताकि चंदोलिया इसी तरह से जनता के रक्षक, पुलिस प्रशासन को और भारत के कानून का धज्जिया उड़ाते रहेंगे. स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से.